न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। क्षेत्र संख्या 4 से जिला परिषद प्रत्याशी सपना रानी धीबर ने चुनाव चिन्ह बाल्टी लेकर चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से बाल्टी छाप पर ही मोहर लगाने की अपील। उन्होंने ने कहा कि जनता का आशीर्वाद इस बार मेरे साथ है और मैं चुनाव के बाद अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो हर वो सुविधा जो सरकार के तरफ से जनता को दिया जाता है वो सभी सुविधा अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के हर कार्य को आप बाल्टी लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या समस्या है? क्या गांव में अभी भी पानी की बहुत अधिक समस्या है? कई जगहों पे नल नहीं है तो महिलाओं को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी की समस्या ज्यादा अधिकतर सब गांव में है तो इस पानी स्वस्थ पानी की व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। जीतने का पहला लक्ष्य क्या होगा? जीतने के बाद पहला लक्ष्य होगा मेरा पानी की व्यवस्था, क्योंकि अब बहुत सारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, उसी को हम सबसे पहले सुधारने का प्रयास करेंगे। किस गांव से लड़ रहे, क्या नाम है, क्या पद है? मेरा नाम सपना रानी धीवर है और मैं मतनाबाड़ा गांव से हूं। मेरा मैं इस बार जिला परिषद में खड़ी हुई हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है और मैं हमेशा अपना क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करूंगी और मैं शिक्षा, स्वस्थ पानी, नली आदि जो कुछ भी है गांव में होता है सबके लिए हमेशा काम करूंगी। और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी भी गांव में कई बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, पढ़ाई वगैरह ठीक से करते नहीं हैं और घर का गार्जियन भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, इसीलिए शिक्षा पे ज़्यादा जोर देने का हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम सपना रानी धीवर है।